जिले में गिरोह बनाकर लूट की घटना को अंजाम देने वाले सक्रिय गिरोह के सरगना सहित 8 लोगों को पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार करते हुए विगत दिनों रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में घटित 32 लाख रुपए की लूट की घटना का खुलासा किया और महाराजगंज जनपद अंतर्गत नौतनवा थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यापारी को इन्हीं लोगों ने लूट के इरादे से चिलवाताल थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे क्रॉसिंग के पास गोली मारी थी, जिसके इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई थी। गिरफ्तार अपराधियों का पहले से भी एक बड़ा आपराधिक इतिहास है। गोरखपुर जनपद के विभिन्न थानों में इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे पहले से दर्ज हैं। वहीं घटना का खुलासा करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और इस घटना का सफल अनावरण करने के लिए टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार भी दिया जाएगा। डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने चिलवाताल थाना क्षेत्र के मानीराम क्रॉसिंग के पास विगत दिनों व्यापारी की गोली मारने की घटना का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों ने लूट का विरोध करने पर व्यापारी को गोली मारी थी, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। पकड़े गए अपराध आरोपी एक गिरोह बनाकर शहर में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। शहर में घूमकर पहले यह लोग रेकी करते थे, उसके बाद व्यापारियों को निशाना बनाकर उनके साथ लूटपाट किया करते थे। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों से रामगढ़ताल थाना क्षेत्र में विगत दिनों 32 लाख रुपए की लूट का खुलासा करते हुए अभियुक्तों के पास से उस घटना में प्रयुक्त एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस, 3 तमंचा 315 बोर, 1 जिंदा कारतूस, 2 खोखा, 1 तमंचा 312 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 1 चाकू, 1 पल्सर मोटरसाइकिल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 1 टेम्पो और 1 कार बरामद करने के साथ ही लूटी गई रकम में से 1,42,000 नगद रुपए बरामद किया। गिरफ्तार गिरोह के 8 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। वहीं गिरोह के 2 अन्य लुटेरे फरार हैं, जिन्हें पुलिस जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों के ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना का सफल अनावरण करने वाली टीम को 50,000 रुपये इनाम देने की घोषणा की है। खुलासा के दौरान एसपी सिटी सोनम कुमार, सीओ कैंपियरगंज आईपीएस राहुल भाटी, एसपी क्राइम महेंद्र पाल सिंह, सीओ कैंट सुमित शुक्ला, सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह, सीओ कोतवाली वीपी सिंह सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डीआईजी एसएसपी जोगेंद्र कुमार ने कहा, एक सेकंड हम देंगे। आगे सब लोग आ गए। घटना में शामिल रहे थे, इसमें जो घटना रामगढ़ दाल हुई थी और उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए, 2 लोग बांटे। इसमें क्राइम ब्रांच की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है घटना को वर्कआउट करने में। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सुशील शुक्ला, सादिक परवेज, चंद्र भारत और उसकी टीम, प्रेस नोट में लिखा हुआ है, ये हमारे जो लोग हैं जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है। पिछले 10 दिन से लगे हैं, विपेंद्र मल है, राजमंगल सिंह है, शशिकांत राय है, योगेश सिंह है, सनातन सिंह है, तेज सिंह, मोशी खान, कुतुब खान, धर्मेंद्र नाथ तिवारी, राकेश कुमार यादव और प्रदीप राय, कांस्टेबल संतोष राय, कांस्टेबल अरुण राय, कांस्टेबल अरुण कुमार और कांस्टेबल गणेश शंकर पांडे, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोनों घटनाओं को वर्कआउट करने में और बहुत अच्छे क्रिमिनल पकड़े हैं इन्होंने, जिस गैंग को पंजीकृत कराएंगे, इसीलिए हमने इनको 50,000 रुपए का इनाम क्राइम ब्रांच को घोषित किया है, जिसमें लोगों ने काम किया है। दोनों घटनाओं में 25,000 का इनाम हम देंगे इनको
और क्राइम ब्रांच की बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां पिछले 5-6 महीने में जो हुई है उनमें से एक उपलब्धि यह है कि वैसी घटना जो अज्ञात थी, जिसके बारे में कोई नॉलेज नहीं था, मर्डर वाले में भी और लूट वाले में भी कतई कोई जानकारी नहीं थी, बावजूद इसके इन लोगों ने रात और दिन मेहनत करी और घटना को वर्कआउट किया। इसमें हमारे एसपी सिटी और सीओ कोतवाली भी लगे, सीओ कैंट और सीओ गोरखनाथ जो हमारे एसपी क्राइम और सीओ गोरखनाथ भी लगे। तो हमारे क्राइम ब्रांच की बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है जिन्होंने ये काम किया है और बहुत अच्छा काम किया है, जिससे पुलिस में पब्लिक में पुलिस की छवि का सुधार हुआ है। कुछ पुलिस की छवि जो कई बार डगमगाती है चीज़ों से, घटनाओं के वर्कआउट ना होने की वजह से, और यह घटनाएं साबित करती है कि पुलिस के पास जो भी सूचना आई लूट या मर्डर की, हर घटना वर्कआउट हुई और 100% के लगभग हमने घटनाएं वर्कआउट की है। हमने 100% घटनाएं वर्कआउट की है, हत्या और लूट की जो घटनाएं हमारे सामने आई उसको हमने चैलेंज के रूप में लिया है, सफलता पाई है और लगभग 100% घटनाएं हम लोगों ने वर्कआउट की है। और इसके लिए मैं क्राइम ब्रांच को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना देता हूँ कि आगे भी पुलिस का काम इस तरह से करने पर उनकी खुद की छवि और उनकी खुद का काम, जिस काम के लिए वो लोग भर्ती हुए हैं, उसको वो लोग बखूबी साबित कर पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई क्राइम ब्रांच को और क्राइम ब्रांच की टीम को। इस टीम में सीओ कोतवाली ने बहुत महत्वपूर्ण रोल है, जिन लोगों ने अच्छा काम किया है उनकी प्रशंसा हमें हमेशा करनी चाहिए, हर एक को करनी चाहिए, पब्लिक को भी करती है, पब्लिक भी करती है, प्रेस भी करती है और हम लोग भी करते हैं, क्योंकि अच्छा काम हमारी पुलिस ने किया है और इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई लोगों को देता हूँ। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है सर्वलांस के, हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस है टेक्निकल सर्वलांस के, जिसके आधार पर लोगों ने घटनाएं करी है जिनको हमने वर्कआउट किया है। राकेश गुप्ता बोल रहा है इसमें से, ये आकाश गुप्ता है जो घटना इस आदमी को ड्राइवर के रूप में पहले रखा गया था, बाद में इसको कुछ दिन निकाल भी दिया था, लेकिन अब फिर जनवरी में वापस रख लिया गया। इसी ने टेम्पो खरीदा, जो पैसे कमा लिए थे जो इस लूट से मिले पैसे, उससे एक मोटरसाइकिल खरीदी है पल्सर, इन्होंने एक टेम्पो खरीदा है और क्यों बताओ 1.5 लाख की मोटरसाइकिल है, क्यों ऐसा किया तुमने? सर पहले साल भर लॉकडाउन से पहले चला, फिर बीच में निकल गए थे, फिर अभी ये वापस आए लॉकडाउन के बाद और इनको लगा कि बड़ा पैसा आ रहा है तो बड़ी जिंदगी एक ही दिन में बदल जाएगी, ऐसो आराम करने के लिए इन्होंने टेम्पो खरीद लिया, मोटरसाइकिल खरीद लिए, थोड़े दिनों शायद म्यूनिसिपल शहर के यहाँ से ड्राइविंग भी छोड़ देते और फिर टेम्पो चलाते, फिर टेम्पो चला के फिर और क्राइम करते। उससे पहले कि ये किस्मत बने, उससे पहले इन लोगों को उन्होंने पकड़ लिया है और जेल भेजा जा रहा है। ले जाओ, एक दो लोगों ने तो मोटरसाइकिल खरीद ली, एक टेम्पो खरीद लिया जो हमने बरामद किए हैं, दो मोटरसाइकिल इन्होंने एकदम नई जिसमें अभी नंबर प्लेट पड़ी नहीं है, और एक टेम्पो खरीदा स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जो इसकी है, जो लूट में भी शामिल थी और वहाँ तक लेके भी गए थे लोग, स्विफ्ट डिजायर गाड़ी को मरम्मत कराई इन्होंने उसी पैसे से लूट के, और 20,000 रुपये का इंश्योरेंस भी कराया इन्होंने, जो लूट के पैसे से ही 20,000 रुपये का इंश्योरेंस कराया और स्विफ्ट गाड़ी जो है ये इन्होंने मरम्मत कराई इसी से, जो हम लोग इसके एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं पूरी तरह से ताकि इनको हमेशा सजा मिले। सजा दिलाने के लिए हम लोगों ने सब एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं, इसकी इनकम का कोई साधन नहीं है इस आदमी की, ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा पैसा, ड्राइविंग से पैसा कितना मिलता होगा, और जो जहाँ से खरीदा गया है, जहाँ से इंश्योरेंस कराया गया है उसको भी हम एविडेंस में लेंगे, और साथ में जो 70,000 रुपये इसमें मरम्मत में लगाए हैं उसका भी बिल हमने लिया है उससे, जहाँ से इसने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी की मरम्मत कराई है। दोनों ही घटनाओं में यह लोग गाड़ी, एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी ये लोग गोडा तक गए थे उस स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से, और एक अपराधी इनमें से बस में बैठा था और बस से अयोध्या में आपस में इन्होंने चेंज किया, एक बस से उतर के स्विफ्ट डिजायर गाड़ी में बैठा, स्विफ्ट डिजायर वाला आदमी एक बस में बैठा, गोडा तक गए पैसा कलेक्ट होने के बाद उसी बस से जब वापस आ रहा था उपेंद्र मिश्रा तो उसके साथ बैठ करके पीछे पीछे आए, और यहाँ पर भी उस स्विफ्ट डिजायर और एक मोटरसाइकिल लेकर के उस बस के पास में थे पीछे की तरफ, और दो मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल वाला बस में ही था, एक मोटरसाइकिल लेके आया, बस वाला आदमी जैसे उतरा है उसके बाद थोड़ा आगे जाने पर उसको अंधेरे का फायदा उठाकर वो पैसा उससे ले लिया गया है और ये लेके चले गए हैं। इस तरह की उन्होंने घटना कारी करी यहाँ पर, माणीराम क्रॉसिंग में आदमी पैसे नहीं लूट पाए, उसके भाई के पास थे पैसे, भाई वहाँ के साथ चले गया, कितना पैसा था वो भी नहीं बताया गया भाई के द्वारा, तो उसमें जो असफल प्रयास होने पर उनको गोली मार दी और पब्लिक इकट्ठी हो गई, और माणीराम क्रॉसिंग में शाम की घटना थी अराउंड 4:30 के आसपास की, ढाई बजे के आसपास के, तो वहाँ पब्लिक थी, हम भी मौके पर गए थे उसके बाद में, तो वो फिर उसके बाद जो है गोली मार के तत्काल निकल गए वहाँ से, और बाद में उनकी मौत भी हो गई थी हॉस्पिटल में।
था। तो दोनों घटनाएं एक चैलेंज के रूप में पुलिस ने अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा काम किया पुलिस ने, इसके लिए बधाई। जनपद गोरखपुर के थाना चिलवा ताल में घटना हुई थी 31/12/2020 को, सेक्टर रेलवे क्रॉसिंग के पास में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी, बाद में उसकी कुछ दिन बाद हॉस्पिटल में मौत भी हो गई थी। कुछ चीज़ का खुलासा हुआ है और इसके साथ ही इन्हीं अपराधियों ने और इनके साथ मिलकर के और कुछ अपराधियों ने रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में 9 तारीख को एक घटना हुई 32 लाख रुपये की लूट की, उस घटना को अंजाम दिया था। इसमें टोटल 8 लोग पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। ये 8 लोगों ने इन दोनों घटनाओं को अंजाम दिया है। दोनों एक 302 का मुकदमा कायम है और एक डकैती 395 का मुकदमा कायम किया गया है। इन 8 लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इनके कब्जे से एक पिस्टल 32 बोर की और 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके अलावा 3 तमंचे 315 बोर के, 1 तमंचा और 2 जिंदा कारतूस 12 बोर का, 1 चाकू भी बरामद हुआ है। इनसे 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है पल्सर, जो 32 लाख की लूट की घटना हुई थी उसके पैसे से खरीदी गई है। 1 अपाची मोटरसाइकिल बरामद हुई है जो हत्या की घटना में प्रयुक्त की गई थी। 1 टेम्पो बरामद हुआ है, 1 स्विफ्ट डिजायर बरामद हुई है और 1,42,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। इनसे ये बरामदगी है। इनकी क्रिमिनल हिस्ट्री भी है लोगों की अलग अलग थानों में और इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस मुठभेड़ में ये लोग अरेस्ट हुए हैं और इनकी HS भी खोली जाएगी, सभी लोगों की जो इस घटनाओं में शामिल रहे, सबकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। ये जनरली इनको मुखबिर के माध्यम से सूचना मिलती थी कि किसी की कोई न कोई व्यक्ति सूचना देता था जिसके आधार पर कि साहब ये आदमी पैसे लेकर जा रहा है, तो उसको लूटने का प्रयास करते थे। हालांकि ये प्रयास असफल हुआ था। मानीराम क्रॉसिंग के पास जो घटना हुई थी उसमें कोई लूट पैसा नहीं लूट पाए लोग, लेकिन उसको गोली मार दी गई और मौके से भाग गए और 32 लाख रुपये की लूट इन्होंने करी थी और उसमें 8 लोग अरेस्ट हुए हैं, पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं और अभी भी 2 लोग हमें अरेस्ट करने शेष है, जो 2 लोग अरेस्ट जल्द ही कर लिए जाएंगे। अब पैसे लूट करके और आपस में बांट लेते थे, यही मेन वजह थी। और इन्होंने घटनाएं पहले भी कुछ करी है और ये दोनों गंभीर घटनाएं करी है, इसलिए हम लोग इनके खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे और इनको जेल भेज रहे हैं। हिस्ट्री शीट इनकी खोलेंगे और गैंग पंजीकरण का भी कार्रवाई करेंगे ताकि आगे अपराधी हमेशा पुलिस की नज़र में रहे और निगरानी में रहे। ये लोग चिलवा ताल थाने के हैं, जब गोरखपुर जनपद में चिलवा ताल थाने के हैं, कुछ बेलघाट के हैं और इसी एरिया के रहने वाले हैं गोरख। ये मनोज चौहान और मनोज सहानी, इस दोनों ही अपराधी जो है इस गैंग के सरगना थे। थैंक यू।